हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज्जत में बताने जा रहे हैं चिकन बिहारी। हाँ, चिकन बिहारी के लिए सबसे पहले हमको चाहिए सरसों का तेल। अगर हो सके तो सरसों का तेल डालो, मस्टर्ड ऑयल, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और मैंने 1 किलो चिकन है मेरी, चिकन का मीन्स मटन है 1 किलो, तो मैंने उसके लिए 150 ग्राम से भी ज़्यादा तेल है, समझो 200 ग्राम ऑयल है, वो लियो। उसको अच्छे से गर्म कर लियो, और हमेशा राई के तेल को अच्छे ज़्यादा गर्म करना है। ये डिश में हमको हमेशा राई का तेल ही, इससे बहुत अच्छी ये डिश बनती है। 1 टीस्पून हम जीरा डाल रहे हैं, और इसमें 1 टीस्पून हम हल्दी डाल रहे हैं, ठीक है। और फ्लेम को लो कर रहे हैं, अभी हल्दी आपको ज़्यादा दिख रही है। और इसके अंदर हम चिकन डाल रहे हैं, चिकन डाल देंगे और ये तेल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा चिकन में टेस्ट आ जाए। और एक टेस्ट पत्ता डाल देंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी हाफ डन कर लेंगे। इतनी भी फ्राई नहीं करना है और कच्ची भी नहीं रखना है। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो अंदर ही सूख जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। और देखो ऐसा, अभी 5 मिनट के बाद आपको बताते हैं। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हाफ डन हो चुकी है, अभी हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। सारे चिकन को हम निकाल लेंगे तेल में से, ऐसे तेल में निकालना, सिर्फ चिकन निकाल लेना, बस ऐसे हम सारे निकाल लेंगे। अभी हमने तेल में से चिकन निकाल चुके हैं, इसमें तेज पत्ता डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा सारा खड़ा मसाला ले लिया हमने, गरम मसाला, वो डालेंगे। और इसके अंदर हम 4 कली अच्छी लहसुन की छोड़ देंगे ऐसी, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल देंगे अभी प्याज। 1 किलो चिकन में हमने लिए 5 बड़ी बड़ी प्याज, और उसको हम अच्छे से चॉप कर लिए चॉपर में। अब इसको लो फ्लेम पे हम पकने देंगे, क्योंकि प्याज इसमें हमको सॉफ्ट चाहिए। अभी 4 अक्खी हम इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे, अक्खी वाली, और इसको लहसुन का जो ये अक्खा का लहसुन डाले, ये बिहारी चिकन में हमेशा डालते हैं, इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। ये ट्रेडिशनल है बिहारी लोगों का, इसलिए इसको ऐसा ही डालना पड़ता है, और इसको अक्खा ही रखना है, यानी बनाते बनाते भी इसको लहसुन को टूटना नहीं चाहिए। अब इसको हम लो फ्लेम पे थोड़ा प्याज को सॉफ्ट होने के लिए रख रहे हैं, और आगे आपको बताते हैं। अब देखो 5 मिनट हो चुके, प्याज थोड़ी हल्की सी पिंक हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, पिंक नहीं हुई है, ट्रांसपेरेंट हुई है। अभी इस स्टेज पे हमको 3 टेबलस्पून जितना गार्लिक डालना है, 3 टेबलस्पून जितना, ठीक है। और इसको फिर लो फ्लेम पे रखना है 10 मिनट के लिए। ये मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, हमको बिहारी चिकन में डालना है, लेकिन इसको कुट कर डालना है। मैं इसको अच्छे पीसेस कर रही हूँ, और 2 हरी मिर्ची ली हूँ, और इसको अच्छे से हम कूट लेंगे एकदम बारीक, और आगे आपको बताते हैं। देखो एकदम अच्छे से कूटा गया है अदरक, अदरक और हरी मिर्ची, इसको अच्छे से अच्छा कूट देना है, और बारीक हो सके तो और बारीक कर देना है। देखो और 5 मिनट बाद हमने खोले, अब देख रहे हैं प्याज कितनी अच्छी सॉफ्ट होते जा रही है, जैसे प्याज एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। और ये जो लहसुन हमने अक्खा डाले ना, इसका जो
खुशबू या आरोमा जो बोलते हैं वो एकदम ज़बरदस्त आता है। अभी हमने कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची डाल दी, ठीक है। अब इसको भी इसके साथ हम अभी फिर से कवर करके रखेंगे और इसको 10 मिनट्स तक अदरक को भी अंदर प्याज के साथ भुनने देंगे। ऐसा यही तरीका है, ऐसे ऐसे इसको पकाना है। अभी आप देख रहे हैं प्याज कितनी अच्छी तली गई है और यहाँ पर उस तेल छूट गया है, सब तेल छोड़ दिए प्याज ने। हमने इसको अच्छे से गला लिए। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून धनिया डालेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भर के हम इसमें हल्दी डालेंगे। हमने सारे मसाले भी डाले, अब ये ड्राई हो जाएंगे मसाले हमने डाले तो। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि कलर जो हमारे मसालों का कलर है वो चेंज हो जाता है। कभी भी आप ट्राई कीजिए गर्म पानी डाल दिए तो आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखो मैंने ओवन में गर्म पानी कर ली और 1 कप जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया। अभी हमने पानी डाल चुके हैं, अभी फिर से इसको हम कवर करके रख देंगे। अभी प्याज हमारी बहुत गल चुकी है, एकदम एक अच्छा मिक्सचर मसाला तैयार हो रहा है। थोड़ा हम इसको ऐसा मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो अक्की अक्की प्याज है वो भी अच्छे से गल जाए। कभी भी प्याज को ऐसा हिलाएंगे तो वो एकदम बारीक हो जाती है। अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ। देखो आप देख रहे हैं, ज़रा भी आपको प्याज लग रही है कितनी प्याज हमने डाले चॉप करके, क्योंकि इसको स्लो स्लो हमने पका है तो वो इतना अच्छे से प्याज गल चुकी है। सारे अपने जूसेस में, यानी प्याज के जूसेस और सारे मसालों के जूसेस में आप देख रहे हैं सर कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसको हम फिर से लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम लो फ्लेम पर रखें, आप देख रहे हैं पूरी तरी ऊपर आ चुकी है। अभी आप कोई भी चिकन मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं एवरेस्ट का मीट मसाला डाल रही हूँ, ठीक है। 1 5 रुपीस वाला पैकेट, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिस्मिल्लाह, जो हमने चिकन फ्राई करे थे वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे ऐसे और 1 कप गर्म पानी डाल देंगे। और मुझे एक बात बोलनी है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से और कमेंट लिखने से बहुत हौसला मिलता है हम लोगों को। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने, और वाकई में मेरी रेसिपी अच्छी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताइए मेरे चैनल के बारे में। मुझे नमक कम लग रहा है, मैंने बहुत कम नमक डाली थी इसलिए अब इस स्टेज पर मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे गर्म पानी डालना है इसके अंदर। मैंने चिकन को अच्छे से मसाले में भून ली हूँ, ये देखो, और मैंने टेस्ट करी तो मुझे नमक कम लगा। अभी हम नमक डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 मग पानी डाली हूँ, यानी नॉर्मल 2 कप, बड़ा 1 मग यानी नॉर्मल 2 कप पानी डाल दी हूँ, वो भी गर्म पानी डाली हूँ मैंने। अच्छा गर्म पानी डाल दी, देखो जैसा ही पानी डाली हो गर्म पानी की निशानी है। जैसे हम पानी डालते देखो आपको देख रहे बॉइल्स, ये जोश आना चालू हो जाता है। अगर हम इस वक्त ठंडा पानी डाल देंगे तो जोश भी नहीं आएगा और हमारे जो कलर आया है चिकन को जो मसाले में, वो कलर भी उसका जो नॉर्मल कलर आया है डार्क कलर वैसा नहीं आएगा। अब इसको हम
कवर करके और एक 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि चिकन अभी तक हमारी पकी भी नहीं है, सिर्फ आधी हमने फ्राई किए थे। अभी इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद आपको आगे बताते हैं। ये देखो, इसको मैंने 10 मिनट तक पका ली, उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दी गैस को, और इसको ठंडा होने दी ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, नज़दीक से देखो पूरी तरी है, तरी वाला ये बहुत ज़बरदस्त, इसमें से खुशबू आ रही है। और जो ये लहसुन है, हमको लहसुन जो मैंने डाली वो मुझे बताना है कि उसको फेंकना नहीं है, या तो उसको स्मैश निकाल के, स्मैश करके उसको उसमें मिक्स कर देना है, या तो फिर ऐसा ही उसको उसके छिलटा निकाल कर खा लेना है। बहुत टेस्टी लगता है इसका लहसुन जो है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा बना था। अल्लाह हाफिज़। ये देखो, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और इसको हम ऐसा ही सर्व कर देंगे।